फ्रेंड्स, ये मनी प्लांट है मेरा, जो कटिंग मैंने निकाली थी, एक्स्ट्रा कटिंग जो निकली थी मेरे प्लांट की प्रूनिंग के टाइम पे, और ये मैंने पानी में ग्रो कर ली थी। इसमें रूट्स आ गई हैं, तो अब इसको मैं मिट्टी में शिफ्ट करने वाली हूँ। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये पूरा मेरा कटिंग से तैयार प्लांट है, ये न्यू प्लांट नहीं है। जो जो कटिंग्स निकली थी वो मैंने लगा दी थी इसमें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जो कटिंग निकाले उसको डायरेक्ट सॉइल में लगा दें, बट पानी में मैंने देखा है पानी में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि कई बार मिट्टी में जो कटिंग है वो आपकी गल जाती है। बट ये पूरा प्लांट मेरा यही है जो मैंने मिट्टी में ग्रो किया था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और ये जो कटिंग है, ये मैंने आपको शो भी की थी एक वीडियो में, जब मैंने कटिंग इसमें लगाई थी। और ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ गई है, रूट आ गई है। तो अब ये मैं सॉइल में लगा दूँगी, ये सॉइल में जाने के लिए रेडी है। और ये जो प्लांट है आपका, इसमें ये जो लेगी सी ब्रांच हो रही है ना, इसे मैं कट कर दूँगी, जिससे कि यहाँ से दो शूट निकल जाएंगे मेरे। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये जहाँ से जितना मुझे लेगी लग रहा है ना, उतना हिस्सा मैं काट दूँगी। ये देखिए, यहाँ से काट लेती हूँ मैं, ये पीछे रूट दिख रही होगी आपको, छोटी सी एरियल रूट, यहाँ से कट कर देती हूँ। अब ये बिल्कुल सीधा हो गया, और ये जो मेरी लेगी ब्रांच थी ये बाहर निकल गई। इसे मैं आप पानी में ग्रो कर लूँगी। अभी दिखाऊँगी ये भी आपको कैसे लगाऊँगी मैं। इसे साइड में रख देते हैं फिलहाल के लिए। इसको लगाना है हमें मिट्टी में। ये थोड़ी सी गल रही है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे मैं थोड़ा सा कट करके रूटिंग हार्मोन, या फिर मैं इस पर वो लगा सकती हूँ एंटी फंगल पाउडर, और उसके बाद ये सॉइल में जाने के लिए रेडी है। फंगल पाउडर है, इसमें इसको मैं डिप कर देती हूँ, जिससे कि यहाँ से फंगस मिट्टी से इसमें ना जाए, क्योंकि ये वाली साइड ऑलरेडी इसकी गल रही थी। बाकी ये प्लांट मिट्टी में जाने के लिए रेडी है। अब इस बॉटल में मैं नई कटिंग लगा दूँगी। ये देख रहे हैं आप कितना बुशी हो रखा है ये मेरा प्लांट, हर तरफ मनी प्लांट है। तो इसको मैं और बुशी करना चाहती हूँ, मुझे जहाँ जगह दिखेगी वहाँ लगा दूँगी। ये वाली जगह ठीक है यहाँ पे ना, यहाँ इसे ग्रो कर देती हूँ। थोड़ी सी जगह बना लेंगे मिट्टी खोद कर। से लिटा देंगे, ठीक है, और जो सॉइल है वो वापस इसके ऊपर डाल। थोड़ी सी सॉइल इसके ऊपर आ रही है रूट, मैं दोबारा लगा देती हूँ इसे। इससे क्या होगा, मुझे नया पॉट इसके लिए तैयार नहीं करना पड़ेगा, और प्लांट मेरा और बुशी हो जाएगा। अब थोड़े ही टाइम में ये प्लांट मेरा और बुशी हो जाएगा। ये जो रूट आपकी ऊपर दिख रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हल्का सा सॉइल जो है हटाकर इसे कवर कर दीजिए। स्टिक का इसे मैं सपोर्ट दे देती हूँ, और थोड़ी सी वाटरिंग कर दूँगी इसमें। अब ये कटिंग मेरी ऑलरेडी चल गई है, बस इसको सॉइल में एडजस्ट होना है, जो कि ये जल्दी ही हो जाएगी। फ्रेंड्स, वैसे ये जो मैंने अभी कटिंग लगाई थी ना लटा के, वैसे मुझे ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि ये वाली लीफ बाहर को ऐसे गिर रही थी। तो इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे खड़ा करके लगा दिया है। मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी इसकी जो ब्रांच है वो है नहीं, है ना। तो मैंने सॉइल हटा के थोड़ा सा और गहरा कर लिया है, इसे ऐसे बैठा दिया यहाँ पे,
और इसका सपोर्ट दे दिया मॉस स्टिक का, और इसके ऊपर मिट्टी डाल। अब ये ठीक लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है। अब ये जो ब्रांच है जब ये ग्रोथ करेगी तो ये मॉस्टिक के ऊपर चढ़ती चली जाएगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम एनिमल्स के लिए भी काम करते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हम और मदद कर सकें।